हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट एंड हेल्दी किचन विद सीमा जायसवाल। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्लेट में कुछ बुरादा सा रखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है। दोस्तों, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में ऐसे लगता है मसाले वाली चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। आज मैं आपको चाय का मसाला बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बाजार में टी मास के नाम से या और अन्य मसाले आते हैं, चाय का मसाला कह के वो बेचते हैं। तो आज आप बाजार से ना लाके अपने घर में ही वही वाला चाय का मसाला बनाइए और बाजार से भी बढ़िया टेस्टी मसाला ये बनकर रेडी होगा। तो आइए बनाते हैं चाय मसाला। और दोस्तों, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि इसमें मैं आपको रेशो क्या बताने जा रही हूँ। इसमें रेशो का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। ये मेरी काली मिर्च है, ये 50 ग्राम है, सौंठ 50 ग्राम, मोटी इलायची इलायची जो है 6-7 है, ये 1 से 2 ग्राम है लौंग, या आप 1 टीस्पून कह सकते हैं लौंग, इससे ज्यादा आपको नहीं लेनी है। 25 ग्राम मेरी हरी इलायची है, 25 ग्राम सिनेमन दालचीनी है, और ये 5 से 7 ग्राम ये है तुलसी के सीड्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाय में तुलसी का टेस्ट पसंद है तो इसे जरूर डालिएगा, और अगर आपको चाय में तुलसी का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ये सारे मसाले आपको जरूर लेने हैं। बहुत सारे लोगों को सौंफ पसंद आती है चाय में, तो वो इसमें 50 ग्राम सौंफ को भी ऐड कर सकते हैं। ये जो हमारी सौंठ है ये सख्त होती है, इसको हमें थोड़ा सा मतलब छोटे छोटे टुकड़े करेंगे या किसी चीज में हम कूट लेंगे, उसके बाद हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। मैंने सौंठ को बेलन से थोड़ा सा कूट लिया है। चाय मसाला बनाने के टाइम पर भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमें कौन सी चीज पहले पीसनी है और कौन सी बाद में। सबसे पहले मैं सौंठ को पीसूंगी, क्योंकि सौंठ जो होती है बहुत सख्त होती है और हमारे ब्लेड के ऊपर इसका प्रेशर भी पड़ता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसे कूट लिया है। मैंने मिक्सी ले ली है, सबसे पहले मैं इसमें सौंठ को डाल रही हूँ। सौंठ मेरी पिस गई है, मैं इसे अपने बॉल में निकाल रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी काली मिर्च। दोस्तों, इसमें से अगर आपको किसी चीज से कोई एलर्जी है तो आप उसे स्किप कर देना, ऐसा ना हो कि चाय मसाले वाली पीने के चक्कर में अपना ही कुछ गड़बड़ हो जाए। कईयों को किसी चीज से एलर्जी होती है तो वो आप स्किप कर सकते हैं, और कुछ लोग जो है इन चीजों को हल्का सा रोस्ट करते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं रोस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि चाय में डालने के बाद तो ये सब पक ही जाना है, इसलिए मैं इसे रोस्ट नहीं करती हूँ। अब पहले मैं इसे पीसूंगी। मेरा ये सब भी पिस गया है, इसे भी मैं सॉल्ट वाले बाउल में ही डाल दूंगी। दोस्तों, आप तुलसी के सीड्स जब भी काटेंगे तुलसी के पौधे से, आप उसे पानी से हल्का वॉश कर लेना, क्योंकि मिट्टी तो हर चीज में होती है, और उसे धूप में सुखा के फिर आपको तुलसी सीड्स को चाय के मसाले में डालना है। सिनेमन या दालचीनी इस तरह की लीजिएगा जो गोल गोल होती है, ये सबसे बढ़िया वाली दालचीनी होती है। कई जगह आपने देखा होगा ऐसे, जैसे पेड़ का तना होता है उस तरह की दालचीनी दे देते हैं, वो इतनी बढ़िया दालचीनी नहीं होती है, इस तरह की गोल वाली दालचीनी बढ़िया होती है। इसके भी मैं छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ, क्योंकि ये अच्छी मोटी परत है इसकी, मैंने इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, क्योंकि मोटी थी, बहुत मोटी परत है इसकी। इसको मैंने बेलन से कूट लिया, किसी भी चीज से कूट के इसे छोटे छोटे पीसेस कर लीजिएगा, और हम इसे भी पीस लेंगे। ऐसे मारेंगे ताकि इसके अंदर जो मसाला लगा हुआ है वो उसमें ही आ जाए। जबरदस्त दालचीनी की खुशबू आ रही है, और इसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इस सारे मसाले को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे चम्मच की हेल्प से। दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये आपको कितना डालना है मसाला, जब आप चाय बनाएंगे तो कितना मसाला आपने यूज करना है। जबरदस्त खुशबू आ रही है, लौंग, इलायची, तुलसी सीड्स, दालचीनी, सौंठ। मेरा चाय मसाला बनके रेडी हो चुका है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। दोस्तों, आपको आपने 1 कप चाय बनानी है तो 1 कप चाय में आपको इतना मसाला लेना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। जब आपकी चाय बन जाए, चाय जैसे आप बनाते हो उसी प्रोसीजर से चाय बनाए, और सबसे लास्ट में जब आप चाय उबालते हैं उस समय इतना मसाला चाय में डाल दीजिए, इतनी टेस्टी मतलब
चाय बनेगी कि आप कहोगे कि मजा आ गया। शायद ये मसाला आपको बाजार के मसाले से भी ज्यादा अच्छा लगे। मैं किसी को पर्सनल कमेंट्स नहीं कर सकती क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो मेरा चाय मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब आप इस चाय मसाले को एंजॉय कीजिए। घर में ही होममेड चाय मसाला बनाइए, फ्रेश चीजों से चाय मसाला बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।